शुक्रवार की रात कबीर आश्रम पर हुए हमले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पार्टी के कई प्रमुख नेता दामाखेड़ा पहुंचे और पंथ श्री 108 हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब से भेंट कर कल रात कबीर आश्रम पर हुए हमले पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कबीर आश्रम दामाखेड़ा पर दर्जनों हथियारबंद लोगों द्वारा हमला और वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहिब पर हत्या की नीयत से किया गया हमला दुखद है। इस सरकार में हमारे संत व धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है। पूरा प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है, जो कि चिंतनीय है। पहले बलौदा बाजार जला, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर जला और अब दामाखेड़ा जला है। बाजार जला, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, जशपुर जल रहा है, मुख्यमंत्री गृह जिला और अब दामाखेड़ा। पता नहीं अब किस अगला किसका नंबर है। सरकार में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासा हो चुके हैं और सरकार के ऊपर जनता का भरोसा खत्म हो चुकी है और वर्ग संघर्ष का स्थिति उत्पन्न हुआ है इस सरकार में। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो और लाइन ऑर्डर इनसे हाथ से निकल चुकी है, मतलब पूरी तरह से प्रदेश में अराजकता का माहौल बन चुकी है। हर दूसरे दिन बड़ी बड़ी घटनाएं, और आपकी छोटी मोटी घटनाएं राजधानी चाकूबाजी तो वो तो छोड़ दीजिए, हर दूसरे दिन, हर दो तीन तीन दिन में पांच पांच मौतें, तो वो कंटिन्यू लगातार चल रही है, लेकिन बड़े बड़े घटनाएं हो रही है, ये वास्तव में प्रदेश के लिए चिंताजनक है।